नमस्कार, मैं हूँ शंपा। शंपा स्वर्ण में आपका स्वागत है। आज मैं पानी के बारे में आपके साथ कुछ चीज़ों शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए इस वीडियो बना रही हूँ। आप ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज आप जानते हैं, धरती में बहुत ही पानी का कमी होती जा रही है, पीने का पानी गंदा हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग इसमें अगर नहीं ध्यान दें तो आगे हम हमारा बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये ध्यान रख के चलिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये पानी हम सेव कर सकते हैं, बहुत बहुत हद तक हम सेव कर सकते हैं, ये दिक्कत दूर कर सकते हैं। सरकार अपने आप काम कर रहे हैं पानी के ऊपर, लेकिन हमको भी चाहिए थोड़ा इसमें हाथ बटाए। तो हम कैसे घर पे रह के हम इसमें ध्यान रख के चल सके, तो आप देख लीजिए, आप आसपास देखेंगे जो ये हम बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के टाइम बहुत ही पानी वेस्टेज होती है। तो ये पानी जब नल छोड़ के बर्तन, एक कटोरी धोने के लिए भी फुल स्पीड में नल छोड़ देते हैं, तो इसका ज़रूरी नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, थोड़ा स्लो करके भी आप धो सकते हैं, तो इससे भी आप पानी बचत कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्या है, आप जो गंदा पानी होती है, जो मतलब आप कपड़ा धोने का पानी और कुछ भी एक्स्ट्रा जो पानी हम फेंक देते हैं, मतलब कल रात का पानी रह गया उसको आज फेंक दिए, फेंक के फिर नया पानी भरते हैं, तो ये मत कीजिए। ये पानी को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, आप पेड़ पौधे को आप डाल सकते हैं, इसे बहुत काम पे लगा सकते हैं, इस तरह आप पानी का बचत करें। नहीं तो हम क्या करते हैं, अच्छा पानी पेड़ पौधे को डाल देते हैं, पानी अच्छा पानी को गंदा फेंक देते हैं, ऐसा मत कीजिए। तो इसमें भी आप बचत कर सकते हैं। थर्ड नंबर, आप धरती के लिए भी पानी सेव कर सकते हैं अपने आप। वो कैसे करें, वो आप देखिए, आपके आसपास अगर गार्डन वगैरह है तो उस लोग कर सकते हैं। गार्डन में एक गड्ढा खोल दीजिए, उसके अंदर आप ईटा लगा दीजिए, सैंड लगा दीजिए, उसके ऊपर भर दीजिए। बारिश के टाइम पानी जब आएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी सेव हो जाएगी और धरती का जो पानी है वो लेवल बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। मैं तो मतलब साउथ में रहती थी, उधर का पानी आप सोच भी नहीं सकते कितना गंदा है। वो पानी समुंदर से आती थी, गंदा पानी, उसी में नहाना पड़ता था, कपड़ा धोना पड़ता था, समर के टाइम पानी नहीं मिलते थे, पानी मतलब इतना गंदा है, क्या करे, उसी पानी को यूज करना है, फिल्टर करके वही गंदा पानी को फिल्टर करके हम लोग पीते थे। ये भी हमने झेले, हमने देखा पानी नहीं होने से कितना प्रॉब्लम होती है, पानी जिंदगी है। तो सोचिए आप एक बार, आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, सब मिल के अगर करेंगे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जरूर कर कीजिए। जैसे हम मतलब महाराष्ट्र में भी थी, उधर मतलब 3-4 दिन के बाद पानी आते थे, तो हम उधर भी रहते थे ट्रांसफर जब के दौरा, तो मतलब 3-4 दिन के बाद जो पानी आते हैं वो आप स्टोर करके हम लोग रखते थे, मेजरमेंट करके यूज करना पड़ता था, फ्रेश होना, कपड़ा धोना, नहाना धोना एंड पीने का पानी सब मिला के वो 4 दिन, 3-4 दिन ऐसा करना था, उसके बाद पानी आएंगे। आप सोचिए कितना डिफिकल्ट टाइम था, वो भी हम लोग फेस किए। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, पानी को बचाइए, सबका जिंदगी अच्छा होना है, बच्चे का भविष्य बचाइए, अच्छा कीजिए। तो हमें तो ऐसे ही थिंकिंग आया, तो इसीलिए इस वीडियो बनाया। अब जैसे और भी एक एग्जांपल देख लीजिए, हम जैसे घर पे लेडीज लोग चावल धोते हैं, कुछ भी धोते हैं, दाल वगैरह ज़्यादा पानी डाल देते हैं, नहीं तो नल छोड़ के धोते रहते, तो ये मत कीजिए। तो हम एक एक करके अगर सबने सोचना स्टार्ट कर दिए तो पानी बहुत बचा सकते हैं। सो मुझे लगता है ये वीडियो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, तो मैं इसीलिए वीडियो बनाया। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।
आपका लाइव अच्छा हो,